जन सहयोग जगाना है, सही जानकारी का उपयोग करें। आपदाओं के प्रभावों को कम किया जा सकता है, अनेकों बहुमूल्य जानें बचाई जा सकती हैं। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? यहाँ का मौसम कितना अच्छा होता है भाई, मेरा तो एक दिन भी शहर जाने का मन नहीं करता। मेरा भी हरिराम। बताओ इनको, ऐसा नहीं है कि केवल समुद्र के किनारे पर ही प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, यहाँ फिर नदी के किनारे पर ही बाढ़ आती है, यहाँ पर भी सबसे बड़ी प्राकृतिक विपदाएं आती हैं। इन पहाड़ों में सबसे बड़ी प्राकृतिक विपदा है इन पत्थरों का गिरना, जिसे हम भूस्खलन या फिर जमीन का फिसलना भी कहते हैं। जी, ये तो समझ में आ गया कि हर जगह की अपनी अपनी प्राकृतिक आपदा हो, मगर इन पहाड़ों से पत्थरों का गिरना रोका कैसे जाए? आज मैं जिला आपदा प्रबंधन समिति के दफ्तर गया था, वहाँ से तुम्हारे लिए एक फिल्म लाया हूँ, जिसे देखकर भूस्खलन से होने वाली दुर्घटना से बचा जा सकता है। हाँ, हम इन पहाड़ों से पत्थरों को गिरने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन इतना जरूर है कि अपना बचाव कर सकते हैं। वो कैसे मुखिया जी? चलो इस फिल्म में ही देख लेते हैं। भूस्खलन से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि बारिश के पानी का निकास पहाड़ों पर ठीक तरह से होता रहे। इसके लिए बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही पानी के निकलने का रास्ता बना देना चाहिए। ये जरूरी है कि नालियों नालों में कूड़ा करकट, प्लास्टिक की थैली नहीं फेंकें। निकास रास्ते में कूड़ा आने से पानी रुक जाता है और इस कारण पत्थर गिरने की आशंका बढ़ जाती है। भूस्खलन रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए या उनकी कटाई रोकनी चाहिए। पेड़ पानी के साथ होने वाले मिट्टी के बहाव को रोकते हैं, जिससे भूस्खलन होने का खतरा कम हो जाता है। अगर आप पहाड़ों पर हैं तो सबसे पहले आसपास की जगह को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, जिससे कि भूस्खलन की स्थिति में वहां से निकलने में आसानी हो और चेतावनी मिलते ही आपको इससे बचने के लिए ऊपरी इलाकों की तरफ जाना चाहिए। अगर आपके आसपास के पहाड़ों में कुछ बदलाव दिखाई दे तो तुरंत समझ लेना चाहिए कि ये किसी आने वाले बड़े संभावित खतरे का निशान है। इन्हें समझकर अपना बचाव कर लेना चाहिए। किसी भी ऐसी आवाज को सुनकर सावधान हो जाना चाहिए जो पत्थरों के गिरने की आवाज हो। अगर नदी में पानी का बहाव अचानक बढ़ जाए या ज्यादा मटमैला पानी अचानक आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये किसी बड़े भूस्खलन का संकेत है। ऐसे हालात में सुरक्षित जगह तलाश कर वहाँ पहुँचना चाहिए। यदि कहीं आप ऐसी जगह पर हों जहाँ भूस्खलन हो रहा है तो तुरंत वहाँ से हट जाएं और ध्यान रखें कि भूस्खलन के कारण वहाँ की जमीन दलदली हो जाती है, इसलिए वहाँ पर सावधानी जरूर बरतें। भूस्खलन के बाद भी अपने आप को उस जगह से दूर रखें जहाँ भूस्खलन हुआ है। आपात स्थिति की जानकारी के लिए रेडियो टीवी पर ही खबरों को सुनना चाहिए और कभी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों, अब तो सबको पता चल गया कि भूस्खलन से कैसे बचना चाहिए। और हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना कि यह कार्य किसी ट्रेंड व्यक्ति की देखरेख में ही होना चाहिए। जी, ये तो समझ में आ गया कि चाहे पहाड़ों पर रहो या पहाड़ों पर घूमने आओ, भूस्खलन तो खतरा है ही। इसके लिए हमें पहाड़ों पर कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए। हाँ, मुझे भी समझ में आ गया कि भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए हम लोगों को पहाड़ों के पर्यावरण को संतुलित रखना होगा। बिल्कुल ठीक। क्यों, आप लोगों को भी समझ आया कि नहीं?